दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 253 की ट्रेलर को नॉवल के जरिए डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं टेंशन और एंजल गॉड क्वीन रेंगसू को, जो कि दोनों ही जमीन पर खड़े होते हैं। तभी हम टेंशन देखते हैं और इस समय उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन वह अपनी गॉड लेवल की 8 स्पाइडर लांस की मदद से खड़ा हुआ होता है। इधर हम क्वीन रेंगसू को देखते हैं, जो कि टेंशन से कहती है, टेंशन मैंने पहले से लेकर अंत तक यही समझ रहा था कि तुम मेरी अटैकों का सामना नहीं कर सकते हो, लेकिन अंत में बिल्कुल तुमने ही इस लड़ाई को जीत लिया। ये कहते ही क्वीन रेंगसू अपनी बॉडी से तेज लाइट बाहर निकलने लगती है। हम देखते हैं कि इधर टेंशन को यहाँ पर खड़े होने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वैसे इस लड़ाई में टेंशन टैंक्सक्लन के सीक्रेट वेपन गुआना एंड स्टेयर का इस्तेमाल करते हुए क्वीन रेंगसू को काफी हद तक चोट पहुँचाया था और साथ ही इस वक्त समय भी पूरी तरह से खत्म हो गयी थी। इस वजह से टेंशन इस लड़ाई को जीत लेता है। इसी कारण क्वीन रेंगसू शर्त के अनुसार टेंशन को 3 दिन का टाइम देते हुए छोड़ देती है। हम देखते हैं कि इधर टेंशन ट्राइडेंट को वापस लेते हुए जंगल की ओर भागने लगता है। इसी के साथ टेंशन जंगल में कल्टीवेशन करते करते अपनी सोल पावर और चोट को भी पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। अब 2 दिन बीत चुके थे, केसी गॉड आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इसके अगले सीन में हमें सारे श्रेक डेविल्स का टीम को दिखाते हैं। तभी मोटो कहता है, कितने दिन हो गए? तीसरे भाई के कहे अनुसार उसे बहुत पहले ही यहाँ पर पहुँचना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया है? इधर हम टेंशन को देखते हैं। अब 3 दिन बीत गए थे। इसी के साथ जैसे ही टेंशन सी गॉड आइलैंड की एकदम करीब होता है तो फिर से वहाँ पर क्वीन रेंगसू अपीयर हो जाती है। ये देखकर टेंशन पूरी तरह से चौंक जाता है। इसी समय क्वीन रेंगसू टेंशन के पास आ जाती है और आते ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टेंशन से कहती है, टेंशन ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही क्वीन रेंगसू अपनी स्वॉर्ड में सन के एनर्जी भरने लगती है और अपनी स्वॉर्ड को पावरफुल बनाने लगती है। यही मौका देखकर टेंशन अपनी हैमर की फर्स्ट रिंग का यूज करते हुए अंडरग्राउंड में आ जाता है और अंडरग्राउंड में आते ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते बढ़ते टेंशन समुद्र के किनारे को खोजने के लिए अपनी ब्लू सिल्वर डोमिन को रिलीज कर देता है। इसके बाद टेंशन अपनी ब्लू सिल्वर डोमिन के साथ स्पिरिचुअल पावर को जोड़ लेता है और पूरे अंडरग्राउंड की छानबीन करना शुरू कर देता है और उसी के साथ ही कहता है, ऐसा लगता है कि मेरा डोमेन समुद्र के किनारे तक पहुंचने के लिए 1 घंटा लेने वाली है और मुझे जल्दी से जल्दी समुद्र के किनारे को खोजना होगा। और कहते ही टेंशन अपनी हैमर की 8th सोल रिंग का यूज करते हुए चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसी के साथ जैसे ही टेंशन थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे समुद्र की ओर महसूस होने लगती है। यह महसूस होते ही टेंशन कहता है, मैं पहले से ही समुद्र की ओर को महसूस कर सकता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल समुद्र के करीब हूँ। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और इसके अगले सीन में हम क्वीन रेंगसू और टेंशन को एक दूसरे के सामने खड़े हुए देखते हैं। तभी इसी समय क्वीन रेंगसू अपनी सन की एनर्जी से बरी स्वॉर्ड से टेंशन की ओर एक पावरफुल अटैक को छोड़ देती है, लेकिन इस समय टेंशन बहुत ही ज्यादा घायल था। हम देखते हैं कि क्वीन रेंगसू के अटैक लगने की वजह से वह और भी ज्यादा घायल हो जाता है और पीछे जाकर गिरने लगता है। ये देखकर क्वीन रेंगसू टेंशन से कहती है, टेंशन अब तुम्हारे पास मेरे साथ लड़ने के लिए और कोई ट्रंप कार्ड भी नहीं बचा होगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ट्रंप कार्ड का मतलब क्या है? ट्रंप कार्ड का मतलब ये है कि सॉसेज को ही ट्रंप कार्ड कहते हैं। और यह कहते ही क्वीन रेंगसू टेंशन पर दोबारा से अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी भरने लगती है और टेंशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी इसी समय वहाँ सी गॉड अपीयर हो जाते हैं और टेंशन से कहने लगते हैं कि तुम्हें ये याद होना चाहिए, तुम समुद्र में रही पानी का स्पोर्ट ले सकते हो और समुद्र ही हमारे स्ट्रेंथ है और समुद्र ही हमारे वास्तविक शरीर है। दोस्तों इस एपिसोड में आपको सी गॉड और एंजल गॉड के दरमियान फाइट देखने को मिलने वाली है। वैसे मैंने इसकी नॉवल स्टोरी को भी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप चाहे तो चैनल पर अवेलेबल है देख सकते हो। हम देखते हैं कि यह सीन भी यहीं पर कट हो जाता है और इसके अगले सीन में हम अंडरग्राउंड में पानी आता हुआ देखते हैं
इस पानी की मदद से ही टेंशन दोबारा से रिकवर भी होगा। तभी इसी समय टेंशन ट्राइडेंट को ऊपर उठाते हुए सी गॉड लाइट को आसमान की ओर शूट करता है। असल में टेंशन यह इसीलिए किया था क्योंकि किनारे पर खड़े उनकी दोस्तों तक यह मैसेज पहुंचा सके। और इतना कहते ही आज का हमारा ट्रेलर एक्सप्लेनेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।